तो हमारी इन कैरेक्टर जो कि 18 साल की हो चुकी थी, अब बेसिकली उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो एक ऐसे गेम में फंस जाती है, या आप बोल सकते हैं उसका पुनर्जन्म होता है जो कि एक गेम की दुनिया में होता है। अब वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईवल होती है, मतलब वो बहुत ही बैडेस्ट कैरेक्टर होती है, पर वो ऐसा मानना नहीं चाहती क्योंकि आखिर में उसकी छोटी बहनी उसे मार देती है, तो वो नहीं चाहती कि वो उस ऐसी कुछ घटना हो। इसलिए वो स्टार्टिंग से ही ये सोचती है कि मुझे अच्छा बन के रहना है जिससे कि मुझ पर ये सारी मुसीबतें ना आए। अब वो ये सारी चीज़ें सोच ही रही थी तभी उसे याद आता मैं 18 साल की बस हुई थी और मैं खुश थी और अचानक से इस गेम में फंस गई, ये मेरे लिए कितनी बुरी बात है। तब उसे याद आता है कि कोई बात नहीं, अब जो भी है जैसा भी है, मुझे बस ईवल नहीं बनना है, मुझे अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छा बना के रखना है। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि वो सपना देख रही होती है जिसमें उसकी बड़ी बहन उसे मार, मतलब छोटी बहन उसे मार देती है, तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं और बोलते बेटा तुम ठीक तो हो ना, पर वो बोलती पापा मैं ठीक हूँ, मेरी बहन से आप मुझे कब मिलवाने वाले हो। तो ये सारी बातें सुन के तो राजा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता कि इसकी कोई छोटी बहन भी है। तो जैसे ही राजा वहाँ से जाने की ट्राई करता है और उसे बोलता है बेटा अपना ध्यान रखना। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलता है बग्गी में बैठता है तो उस शूना उसे बताती है कि बग्गी के दो टायर टूटने वाले हैं और वो खिड़की पर होती जहाँ पर बहुत तेज़ हवा आ रही थी, शूना नीचे गिरने वाली थी, तभी उसके वर्कर्स उसे बचा लेते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि शूना कितनी अच्छी है। तभी शूना को एक सपना आता है जहाँ पर एक लड़के को वो टॉर्चर कर रही होती है, तभी राजा उसके पास एक गुलाम या गोद ले, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है तो वो उसके हाथ में हथकड़ियाँ होती है जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ और सहमसा होता है। अब राजा बोलता है कि इस बंदे को तुम्हारे लिए लाया गया है क्योंकि इसके पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से ये टेलीपोर्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को। तो ये सारी बातें सुन के तो शूना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती कि ऐसी स्किल भी नहीं है, पर शूना को विजन्स आने लगते हैं जहाँ पर शूना उस बंदे को कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देती है और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती। पर मैज एक इत्तेफाक, मतलब ये सिर्फ एक सपना होता है या विज़न होता है जो कि आगे हो सकता है। अब शूना उसे चाबी दे देती है और बोलती है तुम हथकड़ियाँ खोल के यहाँ से जा सकते हो, अपनी मम्मी के साथ रह सकते हो, पर वो उसे मना कर देता है और बोलता है अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा तो इसकी सजा मेरी मदर को मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि शूना और उस लड़के का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसके बाद वो दोनों एक साथ चले जाते हैं, मतलब दोनों को अब एक साथ ही रहना होता है। शूना उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, उसे लाइब्रेरी लेके जाती है। अब जैसे ही शूना उसको लाइब्रेरी में लेके गई तभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि इस बंदे को थोड़ी सी सपने से, इसको भी कुछ सपने से आने लगते हैं जिसमें शूना ने इसको आदेश दिया कि तुम अपनी मदर को मार दो और इसने मार भी दिया। पर शूना ऐसे बोलती कि मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगी, एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। तो हम लोग समझ सकते हैं कि शूना भाई बुरी कैरेक्टर नहीं है, अच्छी कैरेक्टर है। अब उसको एक और विजन आता है कि शूना के कहने पर उसने किसी को मार दिया, अब हम इस बंदे का नाम कुछ रखने वाले हैं। तो शूना स्टेल से बोलती है कि अपने आप मर भी नहीं सकते, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है। और स्टेल को जैसे ये सपना ख़त्म होता तो स्टेल शूना के साथ राजा से मिलने आया होता है और राजा उसे एक चिट्ठी देता है जो कि उसकी मदर की होती है। अब जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है। तो इसकी वजह से स्टेल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर रोने लग जाता है। उसकी मदर बोलती कि वो महीने में एक बार उसे चिट्ठी लिखती रहेगी। अब ये सब ठीक है। अब स्टेल यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा बटलर होता है उसकी जासूसी करता है क्योंकि बटलर बोलता है कि राज प्रिंसेस शूना बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, और मतलब उसके बारे में अफवाहें फैला रहा था जिसकी वजह से सबको ये लगे कि प्रिंसेस शूना बहुत ज़्यादा बुरी इंसान है। अब स्टेल भी यहाँ पे बुक्स लेके पढ़ने लग जाता है क्योंकि स्टेल को भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना था क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रिंसेस शूना के बारे में कोई भी कुछ गलत बात बोले। अब धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जब प्रिंसेस शूना को अपनी छोटी बहन से मिलाया जाता है, यानी कि एक बर्थडे सेरेमनी, मतलब एक बर्थडे पार्टी हो रही थी जो कि प्रिंसेस शूना के लिए थी और वहाँ पर वो फर्स्ट टाइम अपनी बहन से मिलती है। बार बार उसे वही विज़न आ रहे थे कि उसकी छोटी बहन ही उसे मारेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसे बड़े प्यार से बात करती है और तभी महारानी बोलती है कि सभी लोग इस पार्टी का आनंद ले और सभी लोग इधर से उधर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो इनकी छोटी बहन है उसका नाम टियारा होता है। अब टियारा बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी होती है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनरल्स भी आ जाते हैं जो कि उनकी राज्य की सेवा करते हैं, यानी कि कमांडर्स भी बोल सकते हो आप। तो वो वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कमांडर बोलते हैं कि प्रिंसेस शूना एक दिन मैं अपने बेटे से आपको ज़रूर मिलवाना चाहूँगा, और वहाँ पे ही सब लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो देखते हैं प्रिंसेस शूना एक ही सेकंड में उस बंदे को इजीली हरा देती क्योंकि प्रिंसेस शूना के पास इतनी ज़्यादा पावर है क्योंकि वो एक मेन विलन है। तो
तो वो किसी को भी हरा सकती है और किसी की भी स्किल को एक बार देख के कॉपी कर सकती है। तभी एक बंदा वहाँ पे आके बोलता है कि सर कमांडर एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट गिलास से बातें कर रहे होते हैं, यानी कि एक LCD की तरह। तो कमांडर बताते हैं कि हमारे ऊपर चारों तरफ से बंदों ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे और हमारी मेडिसिन और हमारा आधे से ज़्यादा सोल्जर डैमेज है, इसलिए हम उन्हें बिना छोड़े यहाँ पे आ नहीं सकते, हमें उन्हें लेके ही आना होगा। तभी प्रिंसेस शुना बोलती है कि स्टेल के पास बहुत ज़्यादा मैजिकल स्किल है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो सारी मेडिकल्स को वो उनके पास ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो वहाँ से यही ट्राई करते हैं कि वो लोग वहाँ से ज़िंदा निकल सकते हैं। तभी प्रिंसेस शुना बोलती कि आप लोग वहाँ से ज़िंदा निकलिए, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद ये सारी चीज़ें नीचे गिरने वाली है। तो कमांडर वहाँ से जाने की ट्राई करते हैं, पर कमांडर का पैर एक ज़मीन में मतलब पत्थरों के बीच में कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से कमांडर वहाँ से निकल नहीं पा रहे और सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में और रो रहे होते हैं। तभी कमांडर का बेटा आके आर्थर बोलता है, क्या डैड आप क्या चाहते हैं कि हम मैं और मॉम अकेले रहे सारी ज़िंदगी? आप हमें मिलना नहीं चाहते क्या? आप वहाँ पर हार क्यों मान रहे? आपको वहाँ से ज़िंदा आना ही होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि कमांडर को काफ़ी लोग एक साथ घेर लेते हैं और कमांडर के ऊपर कंटिन्यू अटैक किए जा रहे थे, जिसकी वजह से कमांडर वहाँ पे अब लगभग मौत के मुंह में ही थे। तभी प्रिंसेस शूना वहाँ पे अब टेलीपोर्ट होके सभी लोगों के बीच में आ जाती है और वो बहुत ही अच्छे से सभी लोगों को ख़त्म कर रही थी, यानी कि सबका सामना कर रही थी। तभी वहाँ पे कमांडर एक आदमी को पकड़ लेते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल स्किल होती है और वहीं पे पत्थर गिरने लग जाते हैं, पर उस बंदे की मैजिकल स्किल की वजह से वो वहाँ पे बच जाते हैं, क्योंकि प्रिंसेस शूना ने उसे बोला था कि तुम्हारे पास ये स्किल है, तो वो वहाँ पे बच जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे सभी लोग आते हैं तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि कमांडर भी बच गए, प्रिंसेस शूना ने ये वो सब कर लिया। अभी तक लोगों इन सारे लोगों को पता नहीं था कि शूना अकेले है कौन। तभी कमांडर बताते हैं कि ये हमारे यहाँ की प्रिंसेस शूना है। और थोड़े दिनों के बाद ही हम लोग देखते हैं कि आर्थर और उसकी पूरी फैमिली और उसके पूरे सिपाही एक साथ शूना के सामने आए होते हैं, जहाँ पर शूना बताती है कि आप लोगों को कुछ पॉलिसीज़ का पालन करना होगा, जैसे कि आप लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे और अपने देश के लिए रक्षा करते रहेंगे और उसके आने वाले कल के लिए आप लोग हमेशा काम करते रहेंगे। तो ये सारी बातें सुन के तो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भाई ऐसी बातें सुन के तो मैं भी इमोशनल हो जाऊँगा। वैसे अभी मैं इमोशनल हो जाऊँगा अगर आप टू टू के